everyone, we are reading chapter 3 of geography. This is your SST class. Aur kal humne padha tha what is drainage, what is water divide, and about the drainage system of India. Aur humne padha tha there are two major river system in India. Aur Himalayan rivers ke bare mein aur peninsular rivers ke bare mein maine aapko bataya tha ki Himalayan river jo Himalaya se nikalti hain aur peninsular river jo hamare peninsula se निकलती हैं. और हिमालयन रिवर पेरिनियल है, सारा साल पानी रहता है उनमें, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल हैं, सिर्फ बरसात के दिनों में ही उनमें पानी रहता है, बाकी दिनों में नहीं. उसके बाद हम हिमालयन रिवर्स के सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे. सबसे पहले हमने इंडस रिवर सिस्टम को जाना था कि ये तिब्बत से निकलती है, उसके बाद इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है यहीं से. वो टोटल जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 2900 किलोमीटर. उसके बाद हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की. गंगा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. द हेड वाटर्स ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय अलकनंदा एंड देवप्रयाग इन उत्तराखंड. तो गंगा जो है मेनली दो इसके उद्गम स्थल हैं जहाँ से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है, और उसके बाद ये भागीरथी नदी जो है ये अलकनंदा नदी को ज्वाइन करती है देवप्रयाग में. देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में. यानी दो स्ट्रीम है इसकी, दो हेडवाटर स्ट्रीम है, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा. और जब ये दोनों स्ट्रीम्स मिल जाती हैं तब वहाँ से इसका नाम जो है गंगा पड़ता है, और वो जगह कौन सी है, देवप्रयाग. हरिद्वार में गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन्स. हरिद्वार में आकर गंगा माउंटेन से निकलकर कहाँ आ जाती है, प्लेन्स में. यानी उससे पहले पहाड़ियों में बहती है, माउंटेन्स में बहती है, और उसके बाद जो है प्लेन एरिया में गंगा बहती है. ये जो है आपका मेन मैप है मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया का, और इस मैप में वी कैन सी के मैप में हम देख सकते हैं गंगा रिवर को. और ये जो दोनों स्ट्रीम आपको ऊपर दिखाई दे रही हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये भागीरथी नदी है जो अलकनंदा नदी में मिल रही है, उसके बाद जो है गंगा रिवर आगे बढ़ती है और आकर बांग्लादेश तक, यहाँ पे बांग्लादेश में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में एंटर करती है, और फिर जो है बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है. तो ये जो है मेन मैप है हमारे इंडियन रिवर्स का. और आप देख सकते हैं कि गंगा रिवर में बहुत सारी दूसरी नदियाँ भी मिलती हैं, जैसे यमुना है, इधर से मैं अगर कहूँ तो सोन है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं. यानी गंगा में मिलकर ये नदियाँ आगे बढ़ती हैं. तो हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. और गंगा इज़ ज्वाइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स सच एज यमुना. तो गंगा जो है उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, और उनमें से ही एक मेजर रिवर का नाम है यमुना. द घाघरा, द गंडक, द कोसी, ये सारी की सारी घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना. अगर हम मैप में दोबारा से देखें तो ये हमें दिखाई देंगी, दिस द रिवर यमुना. ये गंगा मेन रिवर जा रही है, यमुना आपको दिखाई दे रही है, घाघरा, गंडक और कोसी, ये तीनों आपको दिखाई देंगी. और ये तीनों ही नदियाँ घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल में जो हिमालय है वहाँ से निकलती हैं, और वहाँ से बहती हुई ये इंडिया में एंटर करती हैं उत्तर प्रदेश से. उसके बाद जो है कोसी जो है बिहार से एंटर करती है, और मिलती कहाँ है, गंगा में, और गंगा के साथ ही ये आगे बढ़ती हैं. तो ये जो है मेन ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, दोबारा से बता रही हूँ कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं मेन, वो है यमुना, घाघरा, गंडक एंड कोसी. द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर. तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं तो पहाड़ों से ही निकलेंगी, और पहाड़ों में ग्लेशियर से निकलती हैं ये. तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में. इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूट्स गंगा एट इलाहाबाद. तो ये जो है गंगा के साथ साथ बहती है काफ़ी दूरी तक, और उसके बाद जो है इलाहाबाद में मिल जाती है